हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड दिस वीक। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके अपने फेवरेट शो बॉलीवुड दिस वीक जॉन के साथ। आज के शो में हम बात करेंगे फिल्मों के प्रमोशन से लेके पेज थ्री पार्टीज की। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड दिस वीक। काफी अरसे के बाद म्यूजिक दुनिया के नायाब सितारे बप्पी दा और आशा ताई एक साथ नजर आएंगे महासती मैना सुंदरी में। इस फिल्म के कई गानों को आवाज दी आशा ताई ने, जबकि म्यूजिक से सजाया है बप्पी दा ने। बॉलीवुड में काफी दिनों बाद बप्पी दा और आशा ताई एक साथ नजर आएंगे। अगर बप्पी दा का म्यूजिक हो और आवाज आशा भोसले की हो तो जाहिर है कि धमाल मचना तो तय है। मुंबई में सॉन्ग रिकॉर्डिंग पिक्चर के बैनर तले बनने वाली फिल्म महासती मैना सुंदरी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पप्पी लहरी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उनका और आशा ताई का कॉम्बिनेशन लोगों को काफी दिनों बाद देखने को मिलेगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम आशा भोसले जी एंड पप्पी लहरी कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम होने जा रहे हैं। और मैं आशा जी के लिए एक ही बात कहूँगी, जो आशा जी 300 गाना मेरा सबसे ज़्यादा गाना गाए आरडी बर्मन से ज़्यादा, तो आशा दीदी एग्री किया है और उनको गाना बहुत पसंद आया। महाशती मैना सुंदरी का गाना सुन के मैं सीडी भेजा था, बहुत पसंद आया। आशा ताई बप्पी दा की म्यूजिक पर गाना गाएंगे, जिन्होंने अब तक 300 से ज़्यादा गाने गाए हैं। गौरतलब है कि बप्पी दा और आशा ताई म्यूजिक की दुनिया के लेजेंड हैं, और अगर ये दोनों एक साथ नजर आएंगे तो जाहिर है कि एक बार सभी सुनने वाले के मुंह से ये जरूर निकलेगा कि वाह क्या बात है। टॉल हैंडसम द मैन विद मेसमराइजिंग वॉइस कबीर बेदी। जी हाँ, रैम से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले कबीर बेदी डिजाइनर रियाज गांगजी के कलेक्शन को इंडोर्स करते एक बार फिर रैम पर नजर आए। बॉलीवुड में अगर कोई पर्सनालिटी है जिसकी न सिर्फ आवाज़ बुलंद है बल्कि एक लाजवाब लुक और हाइट भी है तो वो नाम सिर्फ कबीर बेदी का है। मुंबई में कबीर बेदी ने वॉक किया फेमस डिज़ाइनर रियाज गांगजी के समर कलेक्शन के लिए। वेल, कबीर जी जो है इट्स लाइक उनके साथ में काम करना एक अलग ही फील आता है। एंड इनफैक्ट आई वुड से ही इज़ द मोस्ट सीनियर मोस्ट आई वुड से हू इज़ स्टिल यू नो लाइक पीपल लुक अप टू हिम हाउ ही ड्रेसेस अप एंड द वे ही कैरीज हिमसेल्फ। इस मौके पर रियाज गांगजी ने बताया कि कबीर बेदी के साथ काम करने का एक अलग ही मजा है। कबीर की पर्सनालिटी को और एडमायर करती है उनकी पर्सनालिटी, जबकि कबीर का कहना है कि वो सदियों से रैंप पर चलते आ रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कैरियर की शुरुआत भी रैंप से की है। कबीर ने यह भी कहा कि रियाज गांगजी उनके एक अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ काम करने में एक अलग फीलिंग आती है। रैंप तो मैं सदियों से चलता आया हूँ, सदियों से। मुझे मेरा करियर रैंप पे शुरू हुआ था और जब मुझे अब बुलाते हैं तो मुझे और ही मज़ा आता है, कुछ खास ही मज़ा आता है। और जब रियाज गांजी साहब मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं तो मज़ा मेरा ट्रिपल होता है। जाहिर है कबीर बेदी की मौजूदगी ही अपने आप में एक बड़ी बात है, और इस उम्र में भी कबीर जब रैंप पर चलते हैं तो उसका क्या कहना। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म जल इज ऑल सेट टू रिलीज। अंग्रेजी सीढ़ी वाली मैडम आई है। वी कॉल देम सुरखाब मैडम। द रोंग पिंक लेग सुरखाब। आखा पड़ना सू देखा सब भूतनी के गोद में बैसी जा उसकी। कभी इसका चिपक रही है, कभी उसका चिपक रही है, सबको खाएगी। मारी बारी कब आवेगी। हाल ही में मुंबई में जल मूवी का म्यूजिक लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म की सारी स्टार कास्ट मौजूद थी। आपको बता दें कि इस खास मौके पर हमें 3 इडियट्स के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी भी नजर आए, जो काफी उत्साहित दिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से व्हाट आई जस्ट हर्ड इज अ वेरी अनयूजुअल ट्रैक। इट्स सच अ फैंटास्टिक ट्रैक विक्रम एंड सोनू एंड एवरीबॉडी, ऑल द लवली साउंड्स कमिंग फ्रॉम दैट फ्लूट, इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हियर एवरीडे। सो आई वाज प्रीटी मेसमराइज्ड। इस फिल्म की खास बात यह है कि हर दिल अजीज गायक सोनू निगम ने इसमें संगीत दिया है। जी हाँ, और लॉन्च के इस मौके पर सोनू ने परफॉर्म भी किया और अपनी यादें भी बांटी कि परिभाषा क्या होती है, किन किन लोगों को सुन के हम उतर आए हैं, आगे आए हैं और हम कितने पीछे हैं लोगों से। ये रियलिटी चेक ऐसे लोगों को सुन के होता है जब आप सुनते हैं उनको। तो जल मूवी के म्यूजिक लॉन्च के इस मौके पर हमें सुनील शेट्टी भी नजर आए।
वेल, कुल मिलाकर फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है। अब देखना यह है कि ऑडियंस के दिलों में यह फिल्म कितनी छाप छोड़ पाएगी। कैमरा पर्सन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, एमएस एंटरटेनमेंट मुंबई। इस फिल्म की एक्टर कीर्ति और पूरा कोहली से हमारी करेस्पॉन्डेंट साधना पांडे ने खास बातचीत की। आखा फटना सू देखा सब भूतनी के गोद में बैसी जा उसकी। कभी उसको चिपक रही है, कभी उसको चिपक रही है, सबको खाएगी। मारी भारी कब आएगी? इस वक्त हमारे साथ है कीर्ति, जो अपनी जल मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड है। चलिए उन्हीं से जानते हैं किस तरह का रोल है इनका इस फिल्म में। हाय साधना, वेल मेरा रोल का कैरेक्टर का नाम है केसर इन द फिल्म जल। केसर बहुत ही अग्रेसिव लड़की है, बहुत इंटेंस लड़की है। प्यार करेगी तो बहुत इंटेंसिटी के साथ, नफरत करेगी तो उसी इंटेंसिटी के साथ। बहुत इंडिपेंडेंट है, रिबेलियन है और स्ट्रॉन्ग हेडेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। सो दैट्स व्हाट केसर इज़ इन द फिल्म। एंड ऑफकोर्स मी एंड केसर, मी एंड बक्का विच इज़ प्लेड बाय पूरब कोहली, हम दोनों की लव स्टोरी है। एक बहुत ही रोमांस से भरी, पैशन से भरी एक लव स्टोरी है फिल्म में। जिस तरह बात कीजिए, आपकी पहली मतलब शैतान मूवी थी, उसमें कितना डिफरेंट है ये कैरेक्टर और कितना चैलेंजिंग रहा है? बिल्कुल ही डिफरेंट है, 180 डिग्रीज़ का फ़र्क है। वहाँ पे मैं एकदम प्रॉपर सिटी लड़की बनी हूँ, बॉम्बे की लड़की है, कॉलेज गोइंग लड़की है, और इसमें कम्प्लीटली डिफरेंट है क्योंकि मैं कच्छ के एक छोटे गाँव की एक लड़की बनी हूँ। सो कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड उतना ही चैलेंजिंग रहा। एंड आई थिंक उसी चीज़ से मुझे बहुत एक्साइटेड लगा कि मैं ऐसा कुछ करूँ, बिकॉज आई हैड डन शैतान। सो काफ़ी मुश्किल हुई करने में, बट आई थिंक अब जब मैं फिल्म देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैंने ये चैलेंज लिया और मैं उसको निभा पाई। Okay. ये लुक में कैसा लगा जब आपने पहली बार अपनी को इस बहुत अच्छा लगा। टेस्ट में ही इतना मज़ा आया ये सब पहनकर, और जब फिल्म शूट होनी थी तो मैं तो आई कम्प्लीटली इन्जॉयड। मेरे पूरे गले पे, हाथ पे सब टैटूज थे, मेरे को पहनने थे, नथनी थी कान के, गले का द होल चोली एंड द घाघरा, आई कम्प्लीटली लव्ड इट एंड आई हैड लॉन्ग हेयर इन द फिल्म, सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल फीलिंग, बहुत मज़ा आया मुझे। जिस तरह क्लाइमेट की बात की जाए तो राजस्थान का क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट, तो यू नो कच्छ का, तो बात की जाए जिस मेकअप भी करना था, शूट भी करना था, और मैंने सुना इसमें बहुत ही आपने भागा है, तो वो सब कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, भागने और बाकी चीज़ें तो क्योंकि गर्मी थी तो हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते थे। मेकअप एक्चुअली मैंने ज़्यादा नहीं किया है फिल्म में, मैं सिर्फ बेस लगाती थी जो, बिकॉज मुझे कलर को चेंज करना था, बट कुछ दिन बाद कलर अपने आप ही चेंज हो गया था धूप में, सो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सो मेकअप वॉज़ वेरी मिनिमलिस्टिक, और क्योंकि मैं वहीं की लड़की प्ले कर रही थी तो जो वहाँ की चीज़ें हैं, गर्मी है, धूप है, मिट्टी है, उन सब ने मुझे हेल्प किया कि मैं कैरेक्टर की तरह ज़्यादा लगूं, रादर दैन कि मेरा मेकअप ख़राब हो गया, हेयर ख़राब हो गया। सो आई थिंक उसने मुझे हेल्प ही किया, मुझे सपोर्ट ही किया इन लुकिंग लाइक व्हाट आई लुक लाइक इन द फिल्म। ओके, बात की जाए पूरब की, तो पूरब हमने जब तक पूरब को देखा हंसाए हैं, ऐसे नो कॉमेडी रोल किए, लेकिन पहली बार पूरब का ऐसा रोल था, तो आप कैसे उनके साथ समझ पाई और किस तरह रोल किया इसको? वेल एज़ ऑफकोर्स पूरब की पहले कॉमेडी ज़्यादा उन्होंने की हैं, उसके लिए ज़्यादा पॉपुलर हैं, बट इट इज़ अ फिल्म विच इज़ लाइक कॉमेडी, ऑफकोर्स इसका हिस्सा है, बट पूरब का कैरेक्टर ऐसा कोई हंसी वाला या मजाकिया नहीं है। आई वॉज़ प्लेइंग माई कैरेक्टर, मेरा हम लोगों के क्लियर कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए थे। सो आई थिंक बात ये होती है कि जब दो एक्टर्स मिलते हैं सीन में, एक चीज़ करनी होती है तो यू प्ले योर पार्ट एंड बाकी सीन अपने आप निकल कर आता है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विद बोथ ऑफ अस, वी डिड व्हाट वी हैड टू डू एंड आई थिंक द केमिस्ट्री हैज़ कम आउट वेल इन द फिल्म। ओके, कैरेक्टर और आपके पर्सनल रोल बात की जाए, कितना नज़दीक है आपके दिल के, कितने नज़दीक है ये वाला कैरेक्टर? मेरे दिल के सबसे ज़्यादा नज़दीक है ये कैरेक्टर, इट्स द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। जिस तरह से केसर है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब आई थिंक मुझ में है, मैं उनसे रिलेट कर पाती हूँ। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, बहुत ही वो करती हूँ ज़िंदगी में जो मैं चाहती हूँ करना, बहुत इंटेंस हूँ, बहुत पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर, अपने लोगों को लेकर। सो आई थिंक आई एम वेरी मच लाइक केसर, डिफरेंस यही है कि वो कच्छ की छोटे गाँव की लड़की है और मैं शहर की लड़की हूँ। ओके, गिरी जी जैसे डेब्यू डायरेक्टर थे तो उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब बात कीजिए आपके रोल की, तो पहले उन्होंने ऑर्डर मतलब यू नो कहा, तो कैसा लगा वो एक्सपीरियंस, कि आप लगा कि मैं रोल कर पाऊँगी? मैं तो फर्स्ट लुक टेस्ट पर ही जब मुझे बुलाया गया, मैं तब से बहुत एक्साइटेड थी, मुझे पता था कि मैं रोल बिल्कुल करना चाहूँगी एंड थैंकफुली इट वर्कड आउट। मैं गिरीश को जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है, क्योंकि एक सिटी गर्ल होने के बावजूद अगर उनमें उन्होंने मुझ में ये चीज़ देखी कि मैं ऐसा रोल कैरी कर सकती हूँ, तो आई थिंक इट्स अ बिग डील फॉर मी एज एन एक्टर। एंड आई हिज बिलीफ इन मी कम्प्लीटली ड्रोव मी टू गिव माई बेस्ट फॉर केसर, एंड पूरी उनके सपोर्ट के साथ आई परफॉर्म्ड केसर द वे आई कुड, एंड ही इज़ मेड अ ब्यूटिफुल फिल्म एंड
थैंक यू फॉर दैट. ओके कीर्ति, ऐसा अपने फैन को कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आनी अपने फैंस के लिए, जिस तरह काफ़ी दिन के बाद वापसी कर रही है, तो जल के लिए आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? जैसा साधना ने कहा कि बहुत बहुत मैं गिफ्ट लेकर आ रही हूँ, सच में ये एक सरप्राइज़ होगा आप सबके लिए, मेरे सारे फैंस के लिए. आप लोगों ने मुझे शैतान के बाद कभी इस रूप में एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा. सो जल इज़ कमिंग विद अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, इसको मिस मत कीजिएगा, थिएटर्स में जाके देखिएगा एंड आई एम श्योर यू विल लव इट. पूरब जो अपनी वापसी कर रहे हैं जल मूवी के द्वारा, चलिए उन्हीं से बातें करते हैं, किस तरह की एक्साइटमेंट है? सच कहा मैंने, एक्साइटमेंट तो ज़रूर है, लेकिन अब मैं दबा के रखा हूँ क्योंकि बहुत काम चल रहा है प्रमोशन का, तो ऐसे लग रहा है कि सारे चीज़ें जो हो रहे हैं हमारे आजू बाजू, पिक्चर को लेके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, पब्लिसिटी हो रहा है, एक बहुत सी अप्रिसिएशन मिल रहा है लोगों को, जो लोग पिक्चर देख रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है, पर मेरे लिए तो सब कुछ ऐसे एक फास्ट मोशन में चला जा रहा है और मैं अब इतना फोकस्ड हूँ सिर्फ फिल्म के मार्केटिंग पे, जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तब एक्साइटमेंट महसूस करने का टाइम आ जाएगा. पूरब आपने एक बात नोटिस नहीं कही, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं पूरब की वापसी है, तो सही कहा मैंने? शायद रॉक ऑन के बाद तो कुछ बड़ा पिक्चर आया नहीं है मेरा, छोटे एक दो आए हैं, लेकिन अब मौका मिला है मुझे कुछ दिखाने का. एक ऑल्सो मैं इस पिक्चर का हीरो हूँ, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो फिल्म अपने शोल्डर्स पे लेने की, तो दैट इज़ लिटिल बिट ऑल्सो देयर, तो देखें क्या होता है. इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि 4 अप्रैल के बाद क्या होता है. ओके, जिस तरह कैरेक्टर की बात की जाए तो इसमें आप पानी के देवता बने हुए, तो कितना हार्ड रहा ये, ऐसा सच में आपको लगता है कि आप ऐसे हो? कुछ क्वालिटीज़ शायद मेरे है बक्का में, और ज़्यादातर बक्का की कुछ क्वालिटीज़ मैंने खुद चुरा के ले गया हूँ मैं. okay. अब मैं हो गया हूँ ऐसे थोड़ा सा, लेकिन बहुत सा डिफरेंस भी है दोनों कैरेक्टर्स में. जैसे कि बक्का इज़ अ वेरी रूरल कैरेक्टर और मैं हूँ पला बड़ा बम्बई में, आई एम एन अर्बन बॉय, तो लेकिन एक ब्रिज सा बन गया दोनों कैरेक्टर्स, मेरे खुद के कैरेक्टर और बक्का के कैरेक्टर के बीच में, और कभी कभी मैं ऊपर नीचे करता हूँ उस ब्रिज पे. ओके, जिस तरह देखा जाए इसमें आप पानी बचा रहे, तो ऐसा रियल लाइफ में होने लगे कि पूरा पानी को सेव करने लगे पहले जैसे, जिस तरह पहले इतना सोचते नहीं थे, लेकिन अब ऐसा सोचने लगे हो? नहीं, एक्चुअली मैं तो बचपन से इन्वायरमेंटली बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत काम भी करता हूँ कुछ ग्रुप्स के साथ जो इन्वायरमेंट पर काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि इस फिल्म को लेके मैंने कुछ सीखा है, ज़्यादा सीखा है, लेकिन डेफिनेटली एक रीज़न, शायद एक छोटी सी रीज़न है पीछे सबकॉन्शियसली जो मेरे दिमाग में बैठता है कि और एक अट्रैक्शन, जब गिरीश आए थे स्क्रिप्ट के साथ तो मुझे लगा कि हाँ इस फिल्म को करनी चाहिए क्योंकि इट्स गॉट अ लिटिल बिट ऑफ अ इशू अटैच टू इट, और अच्छा लगता है कि इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ फिल्म जहाँ पे सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं है, थोड़ा सा मैसेज भी छोड़ जाए साथ में, तो अच्छा ही होता है. क्योंकि जिस तरह पूरा हम आपको जानते हैं, आप हमेशा एंकरिंग करते हैं, हंसाते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन इस तरह का एकदम सीरियस कैरेक्टर अभी तक नहीं दिखा है, तो आपके ऊपर जब गिरीश ने ये लाया कैरेक्टर, तो आपको लगा कि आप कर पाएंगे एंड ऑल, क्या मन में आया फर्स्ट थिंग व्हाट यू? नहीं, करने के लिए तो मैं डर नहीं रहा था, मैं डर यही था कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि गिरीश 2 महीने में शूट चालू कर रहा था, उसने बताया कि मैं 2 महीने में स्टार्ट कर रहा था, और मैंने यार मैं तो अर्बन बॉय हूँ, कुछ तो गेटअप चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो ये आज में क्या करना है आपको, तो मैंने पहले तो मुझे कच्छ जाना है, मैं कल जा रहा हूँ तो आ जाओ मेरे साथ, तो मैंने ठीक है, नेक्स्ट थिंग आई वाज ऑन द फ्लाइट टू कच्छ, वहाँ से ऐसे शुरू हुई. तो जब मैंने हाँ कर दी फिल्म के लिए तो मुझे पता था कि बहुत काम करना पड़ेगा, तो उसे थान के मैं चला गया इस पिक्चर के अंदर, तो मैंने कभी सोचा, डर नहीं आया, कभी नर्वसनेस नहीं फील हुई, एक्साइटमेंट था कि यार एक मौका मिल रहा है मुझे एक अच्छा सा कैरेक्टर डिस्प्ले करने का, एक कैरेक्टर जहाँ जो लोग ने कभी देखा नहीं मुझ में उस कैरेक्टर, उस टाइप के कैरेक्टर में, और देखें अभी कैसा रहा. कच्छ में कैसा रहा शूटिंग करके, जितना क्लाइमेट हॉट रहता है, तो उधर आप पहली बार गए थे, कैसा वातावरण था वहाँ? नहीं, मैं गया हूँ कच्छ पहले, इनफैक्ट एक ह्यूज अट्रैक्शन था कि मैं कच्छ में शूट करूँ, क्योंकि मैं पहले जा चुका था, एक्सपीरियंस कर चुका था, और जब गिरीश ने बताया कि कच्छ में शूट करा था, मैंने हाँ अरे वाह मैं कच्छ जाऊँगा फिर से. वहाँ पे मुश्किलें थी, बहुत गर्मी थी, कच्छ के अलावा हमने थोड़ी सी शूटिंग राजस्थान में भी किया, और राजस्थान में तो बहुत गर्मी थी, दैट वॉज द टफेस्ट शेड्यूल एक्चुअली,
लेकिन एक बार जब मैं इमर्स हो जाता हूँ प्रोजेक्ट में तो ये सब चीज़ें बॉदर करती है बॉडी के ऊपर, मैं ध्यान नहीं देता हूँ उन पर, मैं सिर्फ देखता हूँ कि करना क्या है, काम कैसे करना है और वही करते रहो, और हार्डवर्क के साथ तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। यू नो पूरा जिस तरह आपका लुक है ये एकदम हॉट डैशिंग, जब भी लड़की आपको देखती है तो ऐसे करने लगती है, तो मतलब यू नो इसमें एक धोती कुर्ता का लुक था, तो उसमें जब आपने पहली बार देखा तो आपको लगा कि इट्स मी, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? इनफैक्ट मुझे धोती बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि मैं सब कभी कभी सोचता हूँ कि हम पैंट्स क्यों पहनते जब हमारे देश में धोती हैं, क्योंकि धोती इज सच अ कम्फर्टेबल गारमेंट और एक ऐसा रॉयल्टी भी फील होता है उसके साथ ना, एक बेस हो जाता है, एक बड़ा सा बेस हो जाता है कि एक हैवी बेस है अपने पास धोती को पहन के। मुझे नहीं लगता कि जीन्स और कोट और टी शर्ट और जैसे मैं अभी हूँ ये सब पहनना पड़ता है कूल बनने के लिए। आप कूल अपने कपड़े में बन सकते हैं, कूल एक कपड़ों से नहीं डिसाइड किया जाता है, एक एटीट्यूड होता है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो बका इज फार कूलर देन पूरब कोहली। ओके, एज अ गिरीज इज अ डेब्यू डायरेक्टर, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद वर्क हिम? गिरीश के साथ मैंने पहले काम किया है, 11 साल 12 13 साल 14 साल पहले हम लोग ने एक सीरियल किया था साथ में, वही वॉज डायरेक्टिंग मी, संघर्ष था सीरियल का नाम, और हमने बहुत अच्छा काम किया उसमें। बहुत डिफ़िकल्ट सीन्स थे, जो एक मुझे याद है एक इंस्टेंट जहाँ पे मुझे सीन नहीं मिल रहा था और गिरीश वॉज रियली कोक्सिंग मी, मुझे पुश कर रहे थे कि नहीं नहीं करो करो करो, फ्रेंड में मैं निकल गया कमरे से, मैं बोला मुझे 10 मिनट दे दो आप, मैं फोकस करके आ जाता हूँ, और जब मैं आया और वापस किया वो सीन, ही वॉज अमेज्ड बाय इट। तो एक कनेक्शन हो जाता है कि एक डायरेक्टर एक एक्टर से कुछ मांगता है और वो एक्टर दे पाता है, तो एक रिश्ता बन जाता है उसमें, और वहाँ से बनी हमारा रिश्ता 13-14 साल पहले, और अब उसका एक और बबल आ गया, उबलते वो पानी में जब बबल्स आते तो एक और बबल आ गया उस रिश्ता में, तो देखिए और आगे क्या होता है हम दोनों के साथ में। पूरब अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपने फैन फॉलोइंग को कहना चाहेंगे कि पूरब को देखने आए? मैं कहूँगा यही कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जाके थिएटर में पिक्चर देखें, पर मैं कहूँगा कि बहुत से पिक्चर्स आते हैं, हमारा पिक्चर भी आ रहा है 4 अप्रैल को, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे पब्लिसिटी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे ट्रेलर्स देखें, हमारे गाने सुने, हमारे पोस्टर्स देखें, आज हमारा म्यूज़िक रिलीज़ भी हुआ है, अगर वो पसंद आए आपको तो फिर 4 अप्रैल को ज़रूर थिएटर जाइएगा, मैं यकीन से कहता हूँ कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे, MS एंटरटेनमेंट्स, मुंबई। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस।